सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पाचे गाय। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक बाइक के बारे में काफ़ी सीरियस बात करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। सब जो लोग हैं इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो इस बाइक के बारे में गाइस आज मैं एडवांटेजेस की बात नहीं करूँगा, वो बातें बहुत हो गई। आज मैं सिर्फ इस बारे में बात करूँगा कि इस बाइक में आपको कौन से देखने मिलते हैं, यानी कि इस बाइक में आपको डिसएडवांटेजेस क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। और वो कोई छोटे मोटे डिसएडवांटेज नहीं है गाइस, वो है काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज हैं, जिससे कि इस बाइक का जो वैल्यू फॉर मनी का एक पॉइंट होता है ना, वो भी घट जाता है। तो गाइस, इस बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्या क्या कॉन्स हैं इस बाइक के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे कई पॉइंट छूट सकते हैं गाइस। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, बिना देरी किए वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ TVS Raider 125 की। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो ये बाइक जो है 124.8 सीसी के सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 11.38 PS का और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 11.2 न्यूटन मीटर का। इस बाइक में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस। बात की जाए अगर माइलेज की, तो इस बाइक का आपको 71.6 KMPL का माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस, सबसे बड़ी बात जो है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जो कि इस बाइक को एक वैल्यू फॉर मनी बनने से रोक देते हैं, यानी कि इस बाइक में आखिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो गाइस, मेजरली इस बाइक में आपको तीन डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे, बट इस प्राइस पॉइंट पे आप इससे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक आप इसका मीटर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका मीटर है। इसमें आपको मीटर में फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिल जाते हैं, लाइक नेविगेशन और सारी चीज़ें। तो इससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने फर्स्ट डिसएडवांटेज की। तो गाइस, इस बाइक में आपको सेफ्टी नहीं मिलती है, यानी कि इतनी 125 सीसी होने के बावजूद आपको इसमें ABS देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको इसमें सिंगल चैनल ABS भी देखने के लिए नहीं मिलता है गाइस। आपको इसमें नॉर्मल डिस्क ब्रेक आगे मिलता है और पीछे ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है गाइस। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस बाइक में जो है आपको बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो बिल्ड क्वालिटी मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बाइक की जो बिल्ड है, यानी फाइबर का जो इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं पार्ट्स, उसका जो आप देखेंगे कि जो इसमें लगाया जाता है, उसकी फिनिशिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यानी कई जगह बॉडी के बीच में आपको गैपिंग देखने के लिए मिलेगी, मीटर और हेडलाइट्स के बीच में गैपिंग देखने के लिए मिल जाएगी, तो फिनिशिंग और उतना अच्छा आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिल जाएगा गाइस। गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट तो सबसे ज़्यादा मेन है इस बाइक का गाइस। ये बाइक जो है, अगर आप इस पे 130 केजी से ज़्यादा वेट रखते हैं, यानी कि अगर किसी ड्राइवर का वेट है 80 केजी और एक पिलियन का भी वेट है 80 केजी, तो टोटल दोनों हो गया 160 केजी, तो बाइक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी उस मोमेंट पे गाइस। तो 130 केजी से ऊपर जाने में ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो गाइज, ये थे तीन पॉइंट जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर इस बाइक में कमी कौन कौन सी है। वैसे अगर ऑल ओवर बाइक बात की जाए, तो इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है इंडियन मार्केट में, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा सही है। इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है, वो 86,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आजकल इस दाम में आपको बाइक देखने के लिए मिलती है जो कि आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, और ब्रांड आपको इतने में एक स्कूटी ही प्रोवाइड करते हैं गाइज। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट जिससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इस बाइक में आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है गाइज। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई गाइज, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। आगे तक कोई छोरी ना छेड़े, मुँह का ढोल बना दूंगा, बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूर।